शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से हाँ भैया, कैसन बा? ये कोई साड़ी वाली औरत है जो तुम्हारे मोहल्ले में काफी पूछताछ कर रही है। अच्छा, फोटो भेज रहा हूँ, जरा देखियो कौन है। हाँ हाँ, फोटो भेजो भेजो। ये तो श्रद्धा बा। हाँ भैया, देखो काम करो, उका लेकर हमारे पुराने वाले अड्डे पर आ जाओ, वहीं मिलते हैं। ठीक है भैया जी। अच्छा भैया, तो आप इनका मुझे तो पता बता सकते हैं? नहीं, पता क्या बताना बहन जी, चलिए हम आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं। आप जानते हैं इनको, तो आप मुझे लेकर चल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, चलिए। अरे भैया, कितना टाइम लगा रहे हो आप, चलो रखो इसे आप जगह पे। हाँ, और ये सारे इसको भी आप सीधा करके ठीक से लगाइए। हाँ, टेढ़ा वेढ़ा मत लगाइएगा। हाँ, ठीक से लगा दीजिए। तनुजा, बहुत ही बढ़िया मंडप सजाई हो, आज तुम खुशी के मारे एकदम पगला जाएंगे, है ना लक्ष्मी? अब लगता है पायल को अपनी बहू बनाने का सपना पूरा होने वाला ही है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना सब? बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे ये सब हमने खास पायल के लिए निकलवाया। तुम भी ना तनुआ, कभी कभी बहुत ज्यादा कर देती हूँ, और इसका कहाँ जरूरत था, हमारी पायलिया के लिए तो तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी था। अरे लक्ष्मी, अब ये घर भी तो उसी का है ना। अरे ये पंडित जी पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए, हम एक मिनट देख के आते हैं। हाँ सोचा था कि तुझे ऐसे दूसरी शादी के लिए सहरा बांधते हुए देखूंगा। सहरा बांध रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि शादी कर रहा हूं। मतलब भाई, मैं तो श्रद्धा की ये फिजूल की जिद को तोड़ना चाहता था, इसलिए ये सब नाटक कर रहा था। पर अब मुझे भी डर लग रहा है, एक घंटा रह गया और श्रद्धा अभी तक नहीं आई है। हाँ तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता, तू कर ले पायल से शादी। क्या बात कर रहा भाई, भाई की मदद नहीं करेगा क्या? प्लीज यार। यार अभय, चल ठीक है, कुछ सोचते हैं। हाँ हाँ, मिल गया आइडिया। हाय, हमें खुद की नजर ना लग जाए, होने वाली मिसेस पायल अभय त्रिपाठी। अभय जी, आप, हमारी अम्मा कहती है कि शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन को देखना नहीं चाहिए, अब शगुन होता है। अरे मैं ये सब चीजें नहीं मानता, कहीं बाहर चलें क्या? अभी? अरे हमारे बच्चों को हमारी लव स्टोरी नहीं सुनाओगी क्या, कि कैसे उनके माँ बाप शादी से पहले चुपके चुपके एक दूसरे के करीब आए? क्या बात कही आपने, तो चले। माफ करना श्रद्धा, अब यही रास्ता बचा है मेरे पास। क्या हुआ, चले? हाँ।
आप पक्का सही रास्ते पर जा रहे हैं ना? जी बहन जी, बस थोड़ी दूर और, वो देखिए उनका, उनके खिलाफ सारा सबूत उनके घर पे ही मिल जाएगा। जी आई। यही उनका घर है बहन जी। शुक्रिया जी। सच में आज बहुत सुंदर लग रही है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। हम है ही ऐसे। बाबू निकली श्रद्धा जी, तुम यहाँ कैसे? लेकिन कहा है ना कि आप इतनी अच्छे डिटेक्टिव नहीं बन पाई। अब देखिए ना, यहाँ आप फंस गई और वहाँ हमारी बहन पायलिया तुहार पति उर्फ हमारे जीजा जी को हमेशा के लिए फंसा देगी। अब इस शादी तो भाई होकर रहेगी। बचाओ, कोई है। पीछे हट जाना चाहिए था। अभी जी, हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम आपको छोड़े तो छोड़े कैसे। नहीं, आप ही बताइए भाभी जी। और रही बात तोहरी रिहाई की, ये देखो तोहार रिहाई। का है ना श्रद्धा जी, कि जब तक हमार बहिन पायलिया और तोहार पति उर्फ हमरे जिज्जा जी की शादी फेरा नहीं हो जाता ना, तब तक के लिए तोहरी रिहाई तो ई है। बचाओ, कोई है, बचाओ। मेरा और अभय का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारे जैसे गिरे हुए घिनौने इंसान के कारण टूट जाए। ये शादी कभी नहीं हो सकती। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार जेल में जाएगा, समझे? कोई है, बचाओ। चुपचाप हमारे साथ चलो, समझे हो? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरे घर। यहाँ पर। छोड़ो मुझे। बैठ। बचाओ। चुप। जाकर भी कछु उखाड़ नहीं पाते। हमारा नाम है ना मनोहर, मन को मोह लेते हम। उसी तरह हमारी जो बहन है ना पायलिया, वो तोहार पति के मन को मोह चुकी है। हाँ, तो इसलिए तभी तो वो बुड़बक साथी के लिए तैयार हो गया। छोड़ो मेरा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये नहीं हो सकता। छोड़ो, हम बता। छोड़ो, बचाओ, बचाओ। चुप बैठो। आज तो हम तुमका नहीं छोड़ेंगे। मुझे कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती की है तूने मनोहर। गलती तो तुम कर रही हो श्रद्धा। यहाँ से बाहर भागना नामुमकिन है श्रद्धा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती।
यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी श्रद्धा। सिर्फ एक घंटे में मुझे किसी तरह से घर पहुंचना होगा, वरना शादी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। भगवान, कहाँ गई हूँ मैं? जानता हूं मैं, हम खुद पहली बार ये मतलब मैं पहली बार कर रहा हूं। क्या पायल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। अगर शादी नहीं कर सकते तो क्यों सबके सामने अपने बाहें फैलाकर हाँ कहा आपने? अरे मैं बस श्रद्धा को मजबूर करना चाहता था कि वो घर वापस आ जाए। पायल, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है और वो मेरी बीवी है, जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। मैं उसे ऐसे ऐसे धोखा नहीं दे सकता, इसलिए इस शादी को रोकने के लिए शादी के मुहूर्त का निकल जाना बहुत जरूरी है। भाई मम्मी हाथ उठा। अरे काट 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 काट। अरे एक बार बोला क्या करता था? अरे यार वो चिल्लाएगी ना। मुंह बंद करना इसका यार, तू तो खिलाड़ी है यार भाई, तू कर रहा है। अरे क्या खिलाड़ी, मैं मुझे कर कुछ ना कुछ कर भाई। अरे यार करो, बचाओ। अरे पर ये करना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी। अरे जी मम्मी, बस आ रहा हूँ मैं। हाँ एक काम कर, तू फटाफट जा वरना किसी को शक हो जाएगा। हाँ बस भाई, इसको यहाँ से निकलने मत देना यार। यार मैं यहाँ पर हूँ, मैं संभाल लूंगा, तू जा यहाँ से। ओ भाई, इसको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होगा तो मुझे बता देना। अरे यार मैं वो सब देख लूंगा, तू जाना यहाँ से, जा। सॉरी। तकलीफ तो तुमने अपनी बढ़ा दी है अभय त्रिपाठी। चुप, बिल्कुल चुप। एक बार तुम अभय की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ, उसके बाद सबकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। भी ज्ञान होना था मेरे बेवकूफ भाई को भी। अरे बेवकूफो, पानी डालो हम पर। कोई है, बचाओ। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे हमारी आंखों में पानी डालो, नहाने को नहीं बोले हम। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। श्रद्धा, अरे हमसे तो आज तक बड़े से बड़ा ना जीत पाया तो तुम का जीत हो। छोड़ो मुझे, बदतमीज। बदतमीज, और हम बदतमीजी अभी हम किए ही कहा है। हाँ सुनो, तुम्हारू एक हो हाँ, और हम लोग चार हाँ। क्या कर पाइए बोलो, बचाओ। क्या करोगी? कोई है, बचाओ। कुछ तो करना पड़ेगा।
हीरो के इस भाई को ठिकाने लगाना होगा। क्या? क्या चाहिए? पानी चाहिए? ठीक है, लाता हूँ। रुमाल खोल रहा हूं, लेकिन तुम चिल्लाना नहीं, ठीक है? ये लो। नई नवेली दुल्हन को ऐसे भूखे रखेंगे क्या? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, खाने लाई हमारे लिए। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, और यहाँ पे दावत नहीं लगी हुई है कि तुम्हें खाना पीना खिलाएंगे। एक घंटे बैठे रहो, उसके बाद खा लेना। अगर आपने हमें खाना पीना नहीं दिया तो हम अभय जी को बता देंगे कि आप हम पे बहुत जुर्म कर रहे हैं। हमें खाना अभी चाहिए तो चाहिए, बोल रहे हम बता देंगे, हम अभय जी को सब बता देंगे। ठीक है, लेके आता हूँ तुम्हारे लिए खाना, बस तुम चुप रहो। भाई के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। शायद अभी की बात ढंग से सुनी नहीं, ये मैं पहली बार नहीं कर रहा, इसलिए अपनी होशियारी अपने पास रखो। होशियार समझती है अपने आप को? हाँ, कैसे बचा पाइएगा खुद को हमसे? हाँ बोलो। मेरे पास मत आना वरना। वरना कहा? अपने पतिदेव को बुलाइएगा, चिल्लाइएगा, अभय अभय हमको बचाओ, अभय अभय हमको बचाओ। कौनो आया? आया कौनो? कौनो नहीं आएगा। अब एक बात सुनो, तुमको याद है वो दिन जब हम तुम्हारी कमर पे हाथ लगाए थे और तुम हमको ये कंटाप लगाई थी ना? वो दिन वो अभय हमको इतना मारा, पर हम उसको कुछ नहीं कहे थे। जानती हो का है? क्योंकि वो हमारा जिज्जा जी है, होने वाला जिज्जा जी। पर आज अगर हम तोहरा को कमर से ऊपर भी छू लेना तो कौनो बचाने नहीं आएगा आज तुमको। हाँ मुझे हाथ लगाने की गलती भी मत करना तुम। मना नहीं तो क्या? हाँ अरे यहाँ क्या कर रहे हो खड़े होके बुड़बक? जाओ जाकर देखो कौन है वहां पर। गया है नाम के सामने मच्छर की तरह। क्या करूं क्या करूं? कम से कम हमें बाथरूम तो जाने दो। अरे यार बस करो, बहाने बनाने बंद करो, चुप रहो बस। यहाँ वैसी परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा बाहर। बाथरूम का बहाना क्यों करें हम?
आप दोनों ने हमसे पूछ कर अगवा किया था क्या हमें? अब हमें लगी है तो हम क्या करें? जाना है हमें, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, हमें जाना है। ओफो ठीक है, ठीक है, खोल रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन कोई होशियारी मत करना, समझी? देखो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर भागने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब जाओ बाथरूम वहां पे। किसी को याद भी है कि इस घर में शादी है? अरे दूल्हा ही गायब है और वो मनोहर, उसका कोई आता पता ही नहीं। अरे पंडित जी कब से इंतजार कर रहे हैं? इतनुआ को अभी पता चलेगा कि दुल्हनिया भी भाग गई तो टेंशनिया के हमरा गला ही न दबाते भाई। आपका बेटा भाग चुका है, बंद करिए तमाशा। अगर आपको आपके बेटे की शादी तमाशा लग रही है ना, तो आप एक काम करिए, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ तनुजा, जब दूल्हा आएगा ही नहीं तो शादी होगी कैसे? ये लड़का भी नालायक है। अरे बेटा तुम कहाँ चले गए थे? अरे अपनी शादी में कोई कभी गायब होता है? अरे मम्मी मेरी दूसरी शादी है, थोड़ा सजने संवरने का मौका मुझे भी दे दो। ठीक है। अरे लक्ष्मी, अरे देखो कि कम से कम दुल्हन तो तैयार है ना। अरे इनके चक्कर में कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। अरे तुम जाओ, ठीक से तैयार हो के आओ, खड़े क्या हो, जाओ अब। पायल बिटिया जल्दी आ जाओ, कहीं श्रद्धा आ गई तो सब खेल खत्म, फिर हमको अकेले ही डंडे खाने पड़ेंगे। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।